हिंदुस्तान में एकमात्र यही दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसका पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। ये दल ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा, अनेकों पीढ़ियां खप गई है। वर्तमान पीढ़ी के अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके नाम भी नहीं जानते होंगे, ऐसे लोगों ने अपना जीवन खपाया तब जाकर के ये दल लोगों के दिलों में जगह बना पाया है। कुछ लोग हमेशा हमारी मजाक उड़ाते रहे हैं, जब संसद में हमारे दो सदस्य थे तब भी इतना भद्दा मजाक हमारे लिए उड़ाया गया था, लेकिन ऐसी सब प्रकार की आलोचनाओं को झेलते हुए जन सामान्य के कल्याण के लिए समर्पित होकर के नेशन फर्स्ट की भावना को जीते हुए हम चलते ही रहे। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा जाता था, चाहे वो जनसंघ का कार्यकर्ता हो या भाजपा का, उसका एक पैर रेल में होता है और दूसरा पैर जेल में होता है। रेल में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर भ्रमण करता था, प्रवास करता था, जहां भी उसको जाना होता वो दौड़ता रहता और समाज के समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर, ये उसकी स्थिति रहती। साथियों, सदस्यता कर्मकांड नहीं है, हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। ये सदस्यता अभियान एक पूर्ण रूप से वैचारिक आंदोलन भी है और भावनात्मक आंदोलन भी है, और हमने संगठन की गाड़ी को उस पटरी पर दौड़ाना है जिसमें वैचारिक धार भी हो और भावनाओं से भरपूर भी हो, क्योंकि हमारी भावनाएं देशभक्ति से प्रेरित है। माँ भारती के कल्याण के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए ये जो सदस्यता अभियान होगा, संगठन की रचना होगी, बूथ कमेटियां बनेगी। पहले हम सदस्यता अभियान करते थे और अब सदस्यता अभियान करें कुछ चीजें हम नए तरीके से सोच सकते हैं क्या, जैसे ये जो सदस्यता अभियान होगा उसी समय जो संगठन की रचना होगी उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन लागू हो गया हो। महिलाओं के लिए अगर ये 33% रिजर्वेशन इसी कालखंड में आने वाला है तो क्या मेरी सदस्यता अभियान में मैं ऐसे सभी लोगों को जोड़ूंगा जो मेरे पार्टी के इतने महत्वपूर्ण निर्णय में अधिकतम महिलाओं को विजयी बना करके एमएलए एमपी बना सके। आपने देखा होगा कि हमने एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है, किसी समय हिंदुस्तान के आखिरी गांव के रूप में और नेगेटिविटी का जन्म उस शब्दों में ही शुरू हो जाता था। हमने तय किया कि आखिरी गांव नहीं है, ये मेरे देश के पहले गांव। अगर ये गांव हिंदुस्तान के सीमा के छोर पर है, अगर सूरज की पहली किरण आएगी पूरब में होगा तो पहले उसी को स्पर्श करते हुए हम तक पहुंचेगी, वो पहला गांव। और इसलिए हमने पूरी तरह बदला है विचार, क्या हम एक स्पेशल इकाई बनाए, जो जो राज्य सीमावर्ती राज्य है वे ये जो पहला गांव है उसमें सबसे पहले मेंबरशिप का अभियान चलाए और पूरे के पूरे गांव को भारतीय जनता पार्टी का किला बना सकते हैं, और जो सीमा के आखिरी छोर पर बैठा हुआ वो गांव जब भारतीय जनता पार्टी का किला बनता है ना, तब वो भारत का किला अपने आप बन जाता है। तो मेरे लिए सदस्यता ये सिर्फ पार्टी का नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी सदस्यता मेरे देश को मजबूत बनाने के लिए भी है, और इसलिए मैं उन गांवों को किला बना के छोड़ूंगा। ये सब मुमकिन है लाखों कार्यकर्ताओं के तपस्या के कारण। मेरे सामने 18-25 साल का उम्र का नौजवान, वो मेरे 2047 के सपने का सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। 2047 में मेरा देश विकसित भारत बनेगा। आज देश के गरीब का सबसे अधिक विश्वास हमारी नीतियों में है,
हमारे निर्णयों में है, हमने लिए हुए रास्ते से मिले परिणामों में है, और इसलिए हमें उस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है। मुझे पक्का विश्वास है नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी की संगठन की शक्ति पूरी तरह लगी है, तब ये सदस्यता अभियान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की।